स्वागत है आपका फिर समाज सोशल ब्लॉग से। मेरा नाम नितेश गैला, आप देख रहे हैं नितेश गैला ब्लॉग। तो टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप धूप कहीं भी निकली है, बादल आप देख ही सकते हो। अभी जो हम जा रहे हैं हमारे जो कंधे में इसको बोलते हैं हल, ये लोहे का हल है। अभी जा रहे हैं हम हल लगाने, जहाँ पे हम परसों गए थे गोबर लेके, आपने देखा होगा ब्लॉग में कि हम गोबर लेके गए थे गाड़ी में यहाँ से। तो आज यहाँ से हम पैदल जाएंगे, अपने बैलों को भी यहाँ से लेके जाएंगे और खुद भी हम यहाँ से पैदल जाएंगे। अभी आपको भी दिखाते हैं और खुद भी चलते हैं। ऐसे मैं लॉकडाउन में एक वीडियो बनाई थी, हाई वीडियो में आपको आ रही होगी कि जब हम लॉकडाउन में गए थे हल लगाने के लिए, तो हम कुछ ऐसे ही गए थे। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन था भी गोप्रो है, तभी हमारे कुछ 200-250 सब्सक्राइबर थे। आपको वीडियोस मिल जाएगी ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। तो ये बैल आते हैं और साथ में आपको चलते हैं, बैल भी दिखाते हैं आपको, पहाड़ी बैल, और आपको रास्ता भी दिखाते हैं कैसे रास्ता है जाने के लिए। मॉर्निंग का भी कुछ ऐसा है, ये देखिए बैल आ गए हमारे। ना तो भी निकल गया। अभी हम 5 आदमी जा रहे हैं, एक मयंक भी आ रहा है और 4 हमें। रोड से 7-8 किलोमीटर होगा ये, जो से अगर पैदल जाए तो हम 4 किलोमीटर मैक्सिमम, 4 किलोमीटर बोल लेने, 4 किलोमीटर तो होगा यहाँ से जो से। अभी जो कि हम अपने गांव के जो पैदल रास्ते पे आ गए, जहाँ से खेतों में पहुँच जाते हैं, ये बगीचा है यहाँ से, यहीं से कैमरा भी जाया जाएगा, यहीं से जो से भी जाया जाएगा, और यहीं से सोनप्रयाग भी जाया जाएगा। मतलब त्रिवेणीनाथ जी पैदल वाला रास्ता है, यहीं से जाया जाएगा सब कुछ अगर आपको पैदल जाना है तो। अभी जो आप हल देख रहे हो कंधे में नहीं है, क्योंकि मैंने गाड़ी में रख दिया है। गाड़ी भी वहीं से जाती है जहाँ हमारा खेत है, वहीं से उसी रास्ते होकर सोनप्रयाग जाती है, उसी से आगे गुप्तकाशी फाटा होकर जाती है गाड़ी। तो टाइमिंग वही रहेगी, हमें वहीं पर पहुँच जाएंगे और गाड़ी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मयंक भी हमारे साथ आ गया है, गोलू है छोटा भाई, वो गाड़ी में आ रहा है क्योंकि वहाँ पर बैग भी रखा हुआ है और हल भी रखा हुआ है। वहाँ पे पहुँच जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा तो वो उतार देगा गाड़ी से। गाड़ी तो वैसे हमारी, अगर वो वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा तो वो उतार देगा सामान, नहीं तो फिर हम साथ में उतार देंगे। अभी जल्दी से निकलते हैं, बैलों को आगते हैं जल्दी से, क्योंकि बैल थोड़ा स्लो चल रहे हैं। और रास्ता कुछ इस तरीके का ये रास्ता है यहाँ पे। ये पहुंच गए हूँ अभी कनाधार में, यहाँ पे ऊपर मंदिर है सकमरी देवी का मंदिर, यहाँ से ऊपर है, थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन अभी यहाँ जाने का टाइम है नहीं। एक मंदिर यहाँ पे भी है, एक मंदिर छोटा सा मंदिर एक यहाँ पे भी है, और यहीं से दिखता है किमाना गांव, जो हमारी गांव का पार्टी है एक, तो यहाँ पर किमाना, इसके जस्ट पीछे है जोशी, हमको जाना है जोशी में। टाइम बहुत हो गया है और बैल भी नहीं चल रहे, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं बैल। इमाड़ा का यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ ऊपर से और यहाँ से जाते, ये नीचे यहाँ है गांव ज़्यादा। तो ये पहुँच गए हम जोशी में, हमारे खेत यहीं पे है, यहाँ सामने पे हमारा खेत है और धूप भी निकल गई है, क्योंकि हम देर में निकले घर से तो आज धूप भी निकल गई है। पहले क्या होता, जब हम छोटे थे तो हम घर से जल्दी निकलते, 5 बजे निकलते घर से, और धूप तब लगती थी जब हम आधा खेत लगा देते, लेकिन अब सब आलसी हो गए हैं तो देर में निकलते हैं। यहीं पे 3 हेलीपैड पे, एक हेलीपैड यहाँ पे रहा, ये सामने पे एक ये रहा और एक ये रहा। अभी ये भी आ गया घर से, ये गाड़ी से पहुँच गया यहाँ पे। तो बैग और हल, वो जो मेरे कंधे में, इसको जू बोलते हैं, ये बैलों के कंधे में डाला जाता है, जिससे कि हल कनेक्ट होता है, उसके बाद हल लगती है। आपको दिखाते हैं अभी कैसे कनेक्ट होता है, आपको सीधा खेत में मिलता है नीचे। ये शुरू करते हैं हल लगाना अब। हे
ये अभी जो आधा मैंने हल लगा दिया, आधा मतलब स्टार्टिंग करके मैंने इसके पास दे दिया, थोड़ा देख ये लगाएगा, मैंकल लगाएगा, मेरे को थोड़ा थंबनेल बनाना है, जो पिछली वाली वीडियोस का थंबनेल नहीं बना हुआ है, अभी उसका थंबनेल बनाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, तब तक ये थोड़ा हल लगा लेता है, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगा। खेत में काम बस हल लगाना नहीं होता है, जो ये जहाँ पर हल नहीं पहुँचती है बारीक बारीक, जैसे ये बारीक बारीक ऊपर या नीचे यहाँ तक हल नहीं पहुँच पाती, पत्थर रहते हैं तो ऐसे कुदाल से भी खोदना पड़ता है, ये अभी वही कर रही है, जैसे पूरे खेत में ऊपर नीचे पूरे ऐसे ही करना है अभी। तो ये गोबर फैलाया जा रहा है खेत में पूरे, फिर जाके हल लगेगी इसमें, और मैं तब तक थोड़ा खोदना स्टार्ट करता हूँ जहाँ तक ये छूटा हुआ ज़्यादा खल नहीं पहुँची है, जैसे यहाँ तक खल नहीं पहुँची, यहाँ नीचे तक नहीं आएगी भी नहीं, यहाँ पे यहाँ तक हल आएगी लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ पे जो कुदाल लेते हैं उससे खोदना शुरू करते हैं। अभी जो खेत में पूरी हाल लग चुकी है, अभी दोबारा फिर से हाल लगा, लेकिन एक बार हम भी खाना खाते हैं और गाय जो बैल है उनको भी खिलाते हैं जो बैल है इनको भी खिलाते हैं, अभी माँ दे रही है इनको, ये जवाटा है जो बनते जो जो रहते हैं उनका जो आटा रहता है उनको पीस करके और इस पर आटे की जगह घूमना जाता है, फिर जाके इनको दिया जाता है, ये देख लीजिए आप, ये इनके लिए प्रोटीन है, तो इनको ये ऐसे भी दिया जाता है और नॉर्मल पानी में, जैसे पानी में भी दिया जाता है, ऐसे आटा गूंद के भी दिया जाता है, जो हल लगाते हैं जिस टाइम हल लगाते हैं हल पे कुछ आटा इसको गूंद के दिया जाता है, लेकिन जब घर में जाते हैं ये तो पानी में मिक्स करके दिया जाता है, इसकी इससे इनको थोड़ा प्रोटीन मिलता है। अरे थोड़ा ये भी यहाँ पे थोड़ा छाया है, यहाँ पे ये भी रह लेंगे और हम यहाँ पे खाना शुरू करते हैं, लेकिन सुबह से हमने कुछ नहीं खाया और भूख भी लगना स्टार्ट हो गई है, अभी ये पूरा खेत फिर से हमको हल लगाना है, पहले हम रोटी खाते हैं उसके बाद जो होगा और काम होंगे। तो खेत के लिए रोटी देख लीजिए आप, कितनी रोटी आए हुए हैं, पांच आदमियों के लिए इतनी रोटियां हैं, एक दो तीन चार, अरे कहीं पानी लेने गया हुआ नीचे पे, बता नहीं कपड़ा आएगा ये, हाँ चार हजार चलो, अरे बिस्किट है पाले जी छोटे वाले, अभी शुरू करते हैं खाना। खाना हमने स्टार्ट सब लोगों ने, हमने ये घी रखा उसमें सब गया रोटियों में, वे खाना खाते हैं मेरा दो भी खाना खाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधे बाजार में, क्यों चीज अभी रोटी रोटी हमने खा दी है, उसके बाद खेत में जो बीज बोना स्टार्ट कर दिया है, पूरे खेत में जो बीज बोया जाएगा उसके बाद फिर से यहाँ पे हल लगाने, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे हल नहीं लगाए थे, ऐसे ही छोड़ा हुआ था खेत, क्योंकि थोड़ा मैं उस बार कोरोना का चक्कर भी था, मैं भी केदारनाथ में था, तो ये भी थोड़ा इधर उधर बिजी था, कोरोना के चक्कर में नहीं लगा पाई हल, और खेत भी थोड़ा दूर था तो यहाँ आया नहीं कोई, तो अभी इस बार यहाँ पे दो हल लगानी पड़ेगी, एक खेत में दो बार हल लगाने, क्योंकि उसके थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा खेत थोड़ा मुलायम हो जाता है, मतलब दूसरी बार हल लगा रहे हैं अभी, नीचे लगा रहा है और माँ यहीं से बीज जो है बीज बो रही है, अभी बीज बोने के बाद हम इस पर हल लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जोल लगाएंगे, जोल जिसको बोलते हैं जो ये लकड़ी का रहता है फटा रहता है उसके ऊपर से, फिर से वो समतल कर देंगे, फिर से वो समतल कर देंगे, उसके बाद हमारी छुट्टी होगी, इसके बाद हम घर निकलते हैं,
जो भी टाइम होगा देखता गाड़ी में निकलते हैं या पैदल निकलते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो पैदल जाना है, उनको बैल लेके जाने हैं। अरे हमारा टाइम तक गाड़ी आ जाए तो गाड़ी में देखते, नहीं तो फिर हमको पैदल निकलना पड़ेगा। पानी क्यों चलो तभी हल भी लगा दिया और जो जोल लेता है वो भी लगा दिया है, मैं जोल भी लगा दिया है, तो बीज रहता है वो सारा नीचे चलेगा। अभी ये अपना काम कर रहे हैं, मतलब ये खोद रहे हैं यहाँ पे जितना बचा हुआ है हल्का फुल्का नीचे, और ऊपर बैल भी यहाँ ऊपर है, और हम निकलते हैं घर की ओर क्योंकि टाइम है अभी, तो गाड़ी भी आने वाली है जिसमें हम घर जाने वाले, खाने खाते टाइम हम घर पहुंच जाएंगे। ये लोग भी पैदल आएंगे क्योंकि बैल को लेके आना पड़ता है, तो बैलों को लेके आना पड़ता है तो पैदल किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। मम्मी का जो छोटी सिस्टर है वो पैदल ले जाएंगी, उनका सारा सामान हमने ले लिया है, उनके पास एक बस एक कंडा है, उन उसमें बस कुछ भी नहीं, उसमें दो कुदाले हैं, बाकी सामान हमने ले लिया है, सारे कपड़े हमने ले लिए हैं, जो बैग रखा था मॉर्निंग में खाने पीने का सामान था उसमें सारा वो भी ले लिया है, और यहाँ पे बचे हुए बस एक नेसुड़ा और एक जू बैग है, इसके पास है हल बोलेंगे नेसड़ा, और मेरे पास इनके कपड़े हैं, और मेरे पास है जू। अभी निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी आने वाली होगी, हालत ख़राब होगी, मैंने ज़्यादा हल भी नहीं लगाया, ज़्यादा हल इसने लगाया जिसके पास हल है, अभी मैंने कम ही हल लगाई, लेकिन फिर भी घर से पैदल आते आते हालत ख़राब हो गई है। अभी ऊपर रोड तक आ गई, यहाँ तक आने तक हालत ख़राब हो गई है, अगर ऐसे अगर पैदल घर जाना होता तो क्या होता आज का हाल सोच नहीं सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, गाड़ी आई गाड़ी में चलते हैं, उनको भी गाड़ी में रखना है तभी रखेंगे। सही, अभी गाड़ी भी आ गई, गाड़ी अंदर से फूल है, तो हमने सोचा कि हम अंदर ही बैठ ऊपर ही बैठे, चार्ज मना कर रहे थे लेकिन हमारा जवाब की तो ऊपर ही में बैठ गए, ये कुछ अलग ही बजाय ऊपर में बैठने का, पहाड़ी रास्तों में और ऊपर छत पर बैठने का कुछ आनंद ही अलग है, सारी थकान निकल जाएगी अभी बिजनेट बोलो। बचपन में छोटे थे तो बहुत शौक था ऐसा बैठने का, लेकिन कोई बैठा था नहीं क्योंकि तब बचे थे, अभी ये दो तो मेरे सहारे बैठ गए यहाँ पे, मैं बड़ा हूँ तो ये मेरे सहारे थोड़ा बैठ गए।
39 रोड पर जिस चढ़ाई की बात करता हूँ, 39 रोड पर जिस चढ़ाई की मैं बात करता हूँ, चढ़ाई ये रही यहाँ सामने पे। अभी फाइनली पहुंच चुका हूं घर में। अभी भी थोड़ा चढ़ाई और 1 किलोमीटर है यहां से घर। अभी ये ले जा रहा हल, इसके बाद फिर से बैग, हमारे पास फिर से जू। अभी खाना खाएंगे, नहाए धोएंगे और चिल होंगे। तो अभी गाड़ी में मूड फ्रेश करके आ गया फिर से घर। घर से खाना खुना खा दिया, अभी निकलते हैं मार्केट की ओर। थोड़ा मार्केट में चलते दोस्तों के साथ, इधर उधर घूमते हैं। हाँ, सिमवाल जी, अनूप सिमवाल जी घर आ गए, उनसे मिलते हैं। पहले और काम निपटाते लेकिन बाद में मिलते हैं उनसे। तो अभी थोड़ी देर घूम के मंदिर में आ गए, मंदिर के सामने बैठे हुए हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी पहाड़ी राष्ट्र ब्लॉग देखने के लिए तो आपको मिलते हैं फिर किसी दूसरे पहाड़ी राष्ट्र ब्लॉग में।